Hello everyone. So, INICT results are out, and congratulations to all of you who have gotten a good result, who got a good rank. Heartiest congratulations! I hope to see you soon in a center institute. Welcome to the other side of it. But all of those who are not satisfied with their INICT rank or the NEET PG rank, who have don't, who haven't gotten a branch of their choice in this NEET PG or INICT, this video is for you. NEET PG two thousand twenty-five strategy by uh, me, Dr. Rishabh Jain. आई एम डॉक्टर अमन तिलक वी बोध आर गोइंग टू टेल यू इन दिस की आगे क्या करना है नीट पीजी ट्वेंटी फाइव के लिए ऑल द वे फ्रॉम लाइफली डेट क्या होने वाली है सिलेबस कैसे आपको कवर करना है कैसे रिविजन करना है एनी थिंग एंड एवरी थिंग रिसोर्स एवरी थिंग विल ट्राई टू कवर इन दिसा है अराउंड ट्वेंटी मिनट्स के करीब वीडियो होगा अच्छे से देखना आई टॉक अबाउट एवरीथिंग रिसोर्सेस कौन से यूज करना है कहाँ से पढ़ सकते हो जी टी क्वेश्चन बैंक एवरीथिंग आई टेल यू लाइकली डेट ऑफ नीट पी जी टू थाउजेंड ट्वेंटी टाइम लगेगा आने में वकॉर्डिंग टू मी इज द लाइकली डेट आई थिंक क्योंकि मार्च में नीट एसे आई थिंक इन माई ओपिनियन द डेट शुड बी इन मे ना जून भी हो सकता है मे भी हो सकता है जुलाई भी हो सकता है आई एम टेकिंग अ कंजर्वेटिव स्टांस बिकॉज आप लोगों को भी कंजरवेटिव लेके ही चलना चाहिए मेरे हिसाब से आई एम टेकिंग अ कंजर्वेटिव डेट ऑफ फिफ्टींथ मे एंड सेट दैट ट वी हैव मेड आर एंटायर ये टाइम टेबल है उसमें हमने ऐसे डिवाइड किया है कि इनकेस अगर गलती से जल्दी भी हो जाता है अप्रैल में इनकेस हो जाता है देन ऑल्सो यूल बी एबल टू प्लान योर एंड गिव इट अब बाद में होता है तो सोने पर सुहाग है बट हमें तो वर्ड के लिए प्रिपेयर रखना है राइट ना बिफोर स्टार्टिंग फॉर एनी एग्जाम इट इज इंपोर्टेंट फॉर अफ टू नो की पढ़ना क्या है सिलेबस क्या है सो दिस इज अवर बेसलाइन सिलेबस इफ डिफाइंड बाई प्रीवियस क्वेश्चन

माइक्रो एंड फार्मा यहां पर एक चीज में और बोलना चाहूंगा जैसे फर्स्ट फर्स्ट ईयर के जैसे सब्जेक्ट्स हैं नार्ट एंड फिजियो दे यूज टू गिव फिफ्टीन प्लस क्वेश्चंस 2018, 19, 20, अभी ट्रेंड में थोड़ा सा कम थोड़ा हो गया, कि कि उसके जो बहुत आसान है, conceptual है and तुम्हें लंबे टाइम तक याद भी रहेगा रहे तो इसको छोड़ो मत आउटपुट रेशियो सबसे बढ़िया है फिजियोलॉजी कम पढ़ोगे ज्यादा आउटपुट आएगा एनाटमी में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आउटपुट आएगा बट उतना नहीं आएगा बट स्टिल वी विल नॉट रिकमेंड इन दोनों को आप छोड़ो so, इनको अच्छे से करके so, तो, we'll तो ये सारे तो जाए हंड्रेड क्वेश्चन ही है एट एनी एनी कॉस्ट नाउ बेसिक टाइमलाइन ब्रॉड टाइमलाइन क्या होने वाली है हमारी नीट पीजी के लिए सो डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू सी कंजर्वेटिव टाइम एंड मे नाउ first revision first reading sorry should be completed by 15th february so this is the time for our first reading then i am giving you three revisions r1 from 15th feb to 1st april so 45 days then a one month revision second revision r2 and final last 15 day revision r3 which is like very very important this if the revision which you know gets you the rank which gives you top 1000 rank in NEET pg and you have to be a little dynamic in case the NEET pg dates when it is announced accordingly no. you have to change the durations of r1 r2 and r3 to so, prepone hota hai to ek r kam kar dena r1 and r2 hi reh jayega and so, agar postpone hota, post hota hai, hai to then increase one revision theek hai now two types of students honge hamare paas जिनका uh, ये first attempt है मतलब जिनकी इस साल internship खत्म हुई है they are giving NEET PG for the first time. And second जिनकी एक attempt है उससे ज्यादा attempt दे चुके हैं

You don't mind going to that place, I would recommend offline. But if you like the comfort of sitting in your house learning at your own pace, or you are in a city which does not have an offline center, join an online TND, both are equally good. Right now, timeline because you have re uh, done revision for the earlier exams as well. So your first reading, first revision will be till 15th February, that is 85 days, in the next R1, R2, and R3, as we said now.

कट ऑफ इज गेटिंग हायर एंड हायर यू कैन सी दिस वन वन ऑफ ऑफ द की 165 करेक्ट्स के बाद भी द रैंक इज अराउंड 1000 थाउजेंड टॉप थाउजेंड सो इवन इफ यू आर एमिंग अ टॉप यू थाउजेंड रैंक यूल डू 155 प्लस करेक्ट हाँ तो सोच ना कि अगर टॉप थाउजेंड रैंक के लिए थर्टी फाइव क्वेश्चन

डिफाइन डिफाइनर स्ट्रांग सब्जेक्ट जिसमें आपके एक या दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं एट मैक्स अब आपका जो भी स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसके लिए आप क्या करो रैपिड रिवीजन नोट्स आप करो प्लस पीवाईक्यूज एंड पीवाईक्यूज अभी टाइम है तो आईएनआई नीट और एफएमजी तीनों के कर लो यस yes. और इसके बाद इन पीवाईक्यूज में जहां पर तुम गलत कर रहे हो जहां पर तुम्हें वीक लग रहा है उसके प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जो है इन डेप्थ पढ़ लो मेन नोट्स या किसी भी सोर्स से जिससे तो कर रहे हैं स्ट्रॉग सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है आर आर नोट्स को बेस बनाओ क्योंकि हमें ऑलरेडी आते हैं वो subjects, करो से, में कैसे करना है इसमें तुम सबसे पहले क्या करो पा, पांच साल के अपने जो है पीवाई क्यूज देखो एनोटेट yes. तो कर लो फर्स्ट एड में कर लो. क्योंकि वीक सब्जेक्ट का कंसेप्ट ये है ना कि देखो वीक सब्जेक्ट में हमारे क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं क्योंकि हमारे कंसेप्ट थोड़े वीक है उसके तो यू नीड टू नो कि भाई कौन से कंसेप्ट है कि मुझे स्ट्रॉन्ग करने है. उसके लिए कैसे चलेगा पता है कि प्रीवियस ईयर में जो जो टॉपिक्स पूछे गए हैं ये एटलीस्ट टॉपिक्स मेरे वीक नहीं होने चाहिए उनको आप अच्छे से मेन रोड से पढ़ो इफ रिक्वायर्ड थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो ऑफिशियल गाइडलाइंस पढ़ सकते हो फॉर एग्जांपल स्ट्रोक वीक है तुम्हारा एज ए की ऑफिशियल गाइडलाइंस पढ़ो डायबिटीज का मैनेजमेंट uh, वीक है तो अमेरिकन एसोसिएशन की ऑफिशियल गाइडलाइंस पढ़ो यू नीड टू मेक दर सब्जेक्ट रियली रियली राइट इसमें आपको ज्यादा टाइम देना है दूसरी चीज क्या हमने ऊपर बताई आपको टाइमलाइन में यहाँ पर हम लोग ने वीक पहले रखा हुआ है बहुत बार होता है कि आपने कहा कि नहीं है, जल्दी करके निकलोगे लेकिन वो आप उसे फालतू में ज्यादा टाइम देने लग जाओगे और स्टार्टिंग में आप देने लग गए तो आप वो दो दिन आपका चार दिन दिन कब जाएगा आपको समझ नहीं आएगा एंड आई यू नो आई वॉज प्रिपेरिंग तब मेरा स्ट्रॉन्ग था तो यू नो अनैटमी मैंने लास्ट थ्री डेज में रिवाइज कर ली बेट आई वॉज डूइंग माई सेकंड रिविजन तब मैंने सोचा कि चलो अनेटमी खत्म कर देते हैं अभी मैंने फर्स्ट रीडिंग अनेटमी की तभी करी भी इट वॉज माई स्ट्रॉग सब्जेक्ट बायो कैम से मेरी फटती थी यार बायो कैम से आई यूश टू सी कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होंगे मुझे फियर था फोबिया था बायो कैम का तो मैंने सात दिन ढंग से बायो कैम पढ़ी ठीक है हमारे टाइम पे कोचिंग ऑनलाइन वीडियोस नहीं होते थे मैंने रिव्यू बुक उठाई बायो कैम की नीचे अपनी फर्स्ट एड खोली फर्स्ट एड ने पचास पन्नों में दे रखा है पूरा बायोकेम और होल बायोकेम इज गिवन इन पेजेस आई एनोटेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट फ्रॉम माय रिव्यू बुक इनटू माय बायोकेम फर्स्ट एड बिकॉज आई न्यू दैट दिस इज माय वीक सब्जेक्ट इफ अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम बायोकेम द लाइकली दैट आई गेट अफ्रेड आई गेट फ्राइटेंड मेरी सांस सुनने लगेगी बहुत ज्यादा थी बायोकेम में एन में आई कुड हैंडल इट राइट दैट इज द कॉन्फिडेंस यू नीड इन दी एग्जाम

स्पेशली जो नहीं लगाया वो वाला लगा लेना और आई एन आई सी टी का जो रिकॉल नहीं लगाया उसके बेसिस तुम अपने वीक और स्ट्रॉग सब्जेक्ट डिटर्मिन कर लोगे जब तुमने इतनी चीजें कर ली तो जहां पर हम लोग के वीक सब्जेक्ट्स हैं इनमें तुम और टाइम दे सकते हो और थोड़ा मेन नोट से भी पढ़ सकते हो चीजें और इसके बाद क्या है एक कस्टम मॉड्यूल बनाओ क्वेश्चन बैंक में अपने हंड्रेड क्वेश्चन का प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट

मेन क्यू बैंक से भी क्वेश्चन करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू स्ट्रेंथन दैट सब्जेक्ट ठीक है और थर्ड थिंग आती है जी टी सब देना है so, तो नाउ हमारे पास सिक्स मंथ्स का टाइम लाइन लेके चल रहे हैं मेन एग्जाम प्लान कर रहे हैं तो टिल जनवरी एंड दैट इज थ्री मंथ्स यू गिव वन जी टी पर मंथ अभी थोड़ी भी ज्यादा फोकस करो बट गिव वन जी टी पर मंथ और फेब्रवरी में जब सिलेबस हो जाएगा खत्म तब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ टू जी टी पर मंथ दैट इज वंस इन एवरी टू वीक्स एंड मार्च अप्रैल में एवरी वीक यू गिव अ जी लास्ट डेज में आई डोंट थिंक यू टू गिव अगन जीटी और यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूंगा कि बहुत बार होता है कि आप जो भी प्लान किया होता है वो आगे चला जाता है और आप फिर सोचते हो यार जीटी तो देना है हुँ. और उसके चक्कर में आप पी करना छोड़ देते हो तो ऐसा मत करो अगर आपने पी नहीं कर रखे हैं कि आप उसको miss करो give it as a आ, तो मान लो में February में दो जीटी देने थे तो आप, के तो आप 18 का नीट PG पेपर उठा लो और उसको एज अ जी टी दे दो राइट दैट इज डेफिनेट है ना तो उससे आपका भी हो जाएगा जीटी भी हो जाएगा टाइम बच जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स पे आते हैं जिनका है ठीक है आप वो स्टूडेंट्स होंगे जिनकी इंटर्नशिप अभी खत्म हुई है जो अभी आई एन आई सी टी के बाद अभी स्टार्ट कर रहे हैं नीट पीजी के लिए तो so अगेन आपका बेसिक सिलेबस इसी टेबल से डिफाइंड होगा कि पढ़ना क्या क्या है सबसे इंपॉर्टेंट और जो हम लोग हाईलाइट कर रखे हैं सब्जेक्ट्स वो यू कांट एफोर्ड टू मिस Yes. बहुत बार होगा कि आपका फर्स्ट रीडिंग है तब आपने चलो नहीं पढ़ा बिल्कुल ही तो आप बाकी सब्जेक्ट तब भी छोड़ सकते हो लेकिन दीज सब्जेक्ट यू कैन नॉट मिस एंड एंड इंक्लूडिंग एनाटमी फिजियोलॉजी आई वुड वुड वी नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग विद फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट एंड माइनर्स इज कि चलो फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स मेडिसिन सर्जरी पी एस एम ऑफ्स एनपीट से आते हैं अराउंड सेवेंटी क्वेश्चन आएंगे इससे बट क्योंकि वो फ्रेश होता है ना हमारे फाइनल प्रॉफ्ट uh -huh. में तो उसके चांसेस है कि आप फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन है ठीक कर भी दो

ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपने हो सकता है कि कोई अभी आई एन सी ना दिया हो और कोई बेस टाइम मेन एग्जाम भी ना दिया हो तो आपके लिए वीक एंड सब्जेक्ट कौन सा है विच इज वीक एंड स्ट्रॉग सब्जेक्ट फॉर यू गाइस आपके एमबीबीएस के जो करिकुलम के बेसिस पर है कि भाई आपने यार ये सब्जेक्ट तो मैंने ही पढ़ा था yes. जिस सब्जेक्ट में एमबीबीएस से डर लगता है सिंपल सी बात वो वीक हो गया जिस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस था वो यार है सिंपल so, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ जैसे आई टोल्ड यू अनाडमी मेरा सब्जेक्ट था सर्जरी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था ऑर्थो तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था फार्मो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था मेरा ऑन दर एंड फिजियोलॉजी बायोकेम केम वर ओबीजी ये उबीजी। सारे मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे बेसिकली अब हम लोग ने ये 115 डेज जो है इनके लिए आपका ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और प्लस आ, इसमें है ये 100 डेज का है प्लस 15 डेज का बफर आ, जो है टाइम है आपके लिए जिससे कि आप चाहते हो तो यार इतने टाइम में

पूछोगे तो डाल सकते हैं या फिर डॉक्टर ऋषभ का आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना उसमें डाल आई पुट इन एलपोटेसूल इफ यू यूज की डे मंथ वाइज यू पुट इन की सर ट्वेंटी फर्स्ट सेकेंड ट्वेंटी थर्ड को क्या 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 पढ़े आई कैन पुट इट अ डे वाइज्यून सो ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल इंस्टाग्राम पेज यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन एल पुट इट दिस वॉज एन आइडियल वे टू डू वेट

दस बारह घंटा बहुत हो गया बीस घंटे में बहुत जगहों पे यार पूरा पैथ जैसे एग्जांपल है फार्मा दस घंटे में बायोकेम आपका आठ से दस घंटे में पढ़ाए हुए अच्छे से उसको अभी के लिए पहले करते चले जाओ रैपिड रिविजन के साथ थोड़ी प्रॉब्लम बस ये है कि अगर आपको वीक सब्जेक्ट है ना तो समझ नहीं आता है एंड अगर समझ नहीं आता है तो रिटेन करने में दिक्कत होती है सो इफ इट इज योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एंड डेफिनेटली फर्स्ट रीडिंग में यू स्टार्ट विद रैपिड रिविजन अगर थोड़ा वीक सब्जेक्ट है तो आई वुड से या तो ऑफलाइन क्लास लगा लो कि मेरी ई एन टी बहुत वीक थी फॉर एग्जांपल तो मैंने क्या किया कि तीन दिन की ई एन टी क्लास लगा ली हुँ. तो मुझे वीक सब्जेक्ट योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ठीक है ना क्वेश्चन बैंक क्या करना है अगेन इफ इट इज इट इज अ स्ट्रॉग सब्जेक्ट जस्ट स्टिक टू हंड्रेड क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल एंड टेस्ट प्रोबेबिलिटी इफ इट इज योर वीक सब्जेक्ट देन जो भी पी वाई टीज हमने इस टेबल में बनाए हैं प्रीवियस टॉपिकॉजी पैथ में इंपॉर्टेंट है इसमें मैंने क्या किया था कि फॉर एग्जाम्पल uh, मेरा इपीडियमोलॉजी और बायो स्टैट थोड़ा सा वीक होता था तो दिस वॉज वन पोर्शन यहाँ पर मैंने मेन क्वेश्चन बैंक की हेल्प ली थी बाकी मेरे पास नहीं टाइम था तो मैंने exactly, नहीं किया एग्जैक्ट आई वु सेम एग्जाम्पल मेरा जनरल फार्मा वीक था

अगर आप यार आपने अच्छे से कुछ पढ़ा नहीं हो तो प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ जीटी की तरह दे सकते हो ऑल्टरनेटिवली है ना और अल्टरनेटिवली एक असली जीटी लगाते जाओ क्योंकि तुम यार